नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कौशल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी को मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल वाला बेल आइकन है उसे आप जरूर दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कहता है रस और दूध 3:4 के अनुपात में है, अतिरिक्त रस डाला जाता है जिससे अनुपात 9:14 हो जाता है। यदि आरंभ में मिश्रण 51 लीटर था तो बाद में मात्रा क्या होगा, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप इसे बेसिक से सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने में कम 1 से 1.5 मिनट तो लग ही जाएगा। अगर आप इसे थोड़ा सा लॉजिक लगा करके अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका 15 से 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, तो वो आप देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, ये जो रस और दूध है स्टार्टिंग में कितना अनुपात दे रखा है, 3:14 है, ठीक है। और बाद में इसमें जब रस डाला जाता है तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 9:14 हो जाता है। अब एक बात मुझे यहाँ पर बताना, यहाँ पर रस डाला जा रहा है, दूध तो नहीं डाला जा रहा है। दूध का मात्रा पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। तो हमारा यहाँ पर ये रस है और ये हमारा यहाँ पर दूध है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये रेशियो देखते हैं तो 3 से यहाँ पर 9 हो गया, यानी कि कितना गुना बढ़ा, 3 गुना बढ़ा है। तो हमें यहाँ पर अगर ये पता चल जाए कि पहले रस कितना था तो अब हम रस निकाल सकते हैं। तो देखिए, आरंभ में मात्रा कितना दे रखा है, 51 लीटर यहाँ पर दे रखा है आरंभ में मात्रा। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि रस निकालेंगे, रस आखिर है कितना। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं 1 यूनिट का मान। तो 14 और 3 कितना होता है, 17। 17 से इसे सबसे पहले डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 1 यूनिट का मान निकल गया 3। तो यहाँ पर 3 यूनिट है तो इसे गुना करिएगा 3 से तो हो जाएगा 9, और इसे जब 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42, ठीक है। अब देखिए, रस का पहले मात्रा था 9 और इसमें 3 गुना रस जो है बढ़ाया जा रहा है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 9 में ही 3 से गुना कर देते हैं। तो अब रस का मात्रा कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। और यहाँ पर पहले तो देखिए दूध 42 था, तो अब भी तो दूध 42 ही रहेगा, दूध में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम 42 इसमें प्लस कर देते हैं तो कितना हो गया, 7 और 2 9 और 4 और 2 6, यानी कि अब जो है मिश्रण कितना हो गया, 69 लीटर का हो गया। सो ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज का जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले रखा है काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। आज के इस वीडियो का टारगेट है लाइक का 500 लाइक्स। सो आप सभी लोग इस 500 लाइक को ज़रूर पूरा करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक युवक सिक्कों से भरे हुए एक गुल्लक को खोलता है, उसमें से 10 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का निकलता है। और इसका यहाँ पर आपका रेशियो दे रखा है 3:1:4:2 के अनुपात में। यहाँ पर रेशियो, इस पैसे का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इस गुल्लक में टोटल पैसा कितना दिया हुआ है, 180 रुपया इस गुल्लक से पैसा निकला है। तब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उस गुल्लक में सिक्कों की संख्या कितनी है, ये आप यहाँ पर बताइए। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने आपको बताया था सिक्का वाला, तो उसमें भी आपको सिक्का ही निकालना था। उसमें क्या था कि सिक्कों का यहाँ पर टोटल संख्या दे रखा था, लेकिन यहाँ पर दे रखा है इसका वैल्यू, यानी कि 180 रुपया यहाँ पर मान दे रखा है कि 180 रुपया इसमें इस गुल्लक में निकला है। सो कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये अनुपात सबसे पहले यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो 3x फिर हो जाएगा आपका x, फिर हो जाएगा आपका 4x और फिर आपका हो जाएगा 2x, ठीक है। इतना आपको सबसे पहले लिख लेना है। और यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो यहाँ पर दिया हुआ है 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये, ये डायरेक्ट वैल्यू आपको इसमें से गुना कर देना है। तो 10 रुपये यहाँ पर इससे गुना करना है 10 से, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 5 है तो यहाँ पर गुना कर देना है आपको 5 से, ये 2 है तो यहाँ पर गुना करना है आपको 2 से, और ये 1 है तो यहाँ पर गुना करना है आपको 1 से। ये आपका रेशियो निकल चुका। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर टोटल सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा 30x, ये आपका हो जाएगा 5x और ये आपका हो जाएगा 8x और ये आपका हो जाएगा प्लस में
2x होगा, 3x नहीं होगा, 2x होगा। और बराबर में इसका मान यहाँ पर 180 रुपया दिया हुआ है, सो यहाँ पर 180 रुपया आप रख दीजिए। इसे अब हम प्लस करके देखते हैं कितना होगा, तो 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 30 कितना होगा 45, यानी कि 45x बराबर कितना है 180 रुपये है। ये 45 से जाएगा कितने बार में, चार बार में जाएगा, तो x का मान यहाँ पर कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि इस गुल्लक में सिक्कों की टोटल संख्या है कितना, तो यहाँ पर देखिए सिक्का का यहाँ पर मान कितना दे रखा है, 3 है, 1 है, 4 है और ये 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, x, 4x और 2x। तो इसे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 8, 8 और 2 10, तो यहाँ पर आपका हो गया 10x। x का मान यहाँ पर निकल चुका है कितना 4, तो 10 को जब 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि टोटल सिक्कों की संख्या कितना है 40 है। अगर यहाँ पर आपसे पूछता कि 5 रुपये का सिक्के की संख्या कितनी है, तो 5 रुपये का सिक्का का संख्या का यहाँ मान कितना है x है, सो यहाँ पर सिर्फ आपको x का मान यहाँ पर बता देते हैं, यानी कि 4 यहाँ पर सिक्का होता सिर्फ कौन सा 2 रुपये का। अगर आपसे यहाँ पर पूछता, सॉरी 2 रुपये का नहीं 5 रुपये का होता, क्योंकि 2 रुपये का तो मान तो यहाँ पर 4 रुपया दे रखा है, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि 1 रुपये के सिक्का की संख्या कितनी है, तो देखिए 1 रुपये का मान यहाँ पर कितना दे रखा है 2 दे रखा है, यानी कि 2x, तो सिर्फ x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते तो कितना हो जाता 8 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमसे पूछा जा रहा था टोटल, तो टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है 40 है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कहता है कि प्रवाह की ओर नाव की गति और प्रवाह के विपरीत नाव की गति क्रमशः 28 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रवाह की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, वो आपको यहाँ पे बताना है। अब कुछ लोग यहाँ पर इसे क्या करेंगे कि ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक कौन सा है, यहाँ पर क्या करेंगे कि x माइनस वाई वाई टू वाला ये फार्मूला यूज़ करेंगे और आंसर जल्दी से निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये आप सबसे पहले समझिए, क्यों हम x माइनस वाई वाई टू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या मानना है, नाव का चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर बराबर और धारा का चाल हम यहाँ पर मान लेते हैं y किलोमीटर बराबर। अब देखिए जब धारा के साथ नाव चलेगा तो नाव का चाल और धारा का चाल आपस में प्लस हो जाता है, यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा। और देखिए यही यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रवाह की ओर नाव की गति कितना होता है 28 किलोमीटर बराबर है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 28 किलोमीटर बराबर। अब देखिए यहाँ पर कह रहा था कि प्रवाह के विपरीत, यानी कि देखिए इधर से आपका धारा है और इधर से आपका नाव चल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, नाव का चाल और धारा का चाल आपस में क्या होगा माइनस हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए चाल कितना दे रखा है 16 किलोमीटर बराबर यहाँ पर दे रखा है, तो बराबर में कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर बराबर होगा। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि प्रवाह की गति क्या होगा, यानी कि नदी की गति यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, धारा की गति, तो धारा की गति हमने क्या मान रखा है y किलोमीटर बराबर, तो हमें तो y का मान चाहिए, तो x हम क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये आपका हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए y और y मिलकर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और बराबर में देखिए 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और 2 से जाएगा ये कितने बार में 6 बार में, सो y का मान कितना आ गया 6। यही हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको शॉर्ट निकाल दिए हैं। अगर आपको याद रहेगा तो ही आप ये क्वेश्चन जो है इस तरह से इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक यहाँ पर मालूम रहे, यानी कि ये वाला अगर बेसिक मालूम रहेगा, तो जितना भी हार्ड क्वेश्चन दे दे नाव और धारा वाला, आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर सभी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट करके ये बोलिए कि आपको कितना समझ में आया, 50%, 75% या 100%। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कहता है कि एक बस 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करता है, ठीक है, उसके बाद कहता है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाता है। यदि बस द्वारा लगा कुल समय 20 घंटा है तो दूरी कितना है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब देखिए कोई बस है, कोई डिस्टेंस यहाँ पर कवर करता है, गति यहाँ पर दोनों अलग अलग है, जाता है 12 किलोमीटर बराबर से और आता है 8 किलोमीटर बराबर से,
और इसे जाने में और वापस आने में समय यहाँ पर लग रहा है कितना, 20 घंटा यहाँ पर समय लग रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें डिस्टेंस मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि जितना जाता है उतना वापस भी आता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बताइए, समय यहाँ पर दिया हुआ है और चाल भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे में आपका चाल होता है, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अब देखिए दूरी कितना दिया हुआ है, तो वो तो हमें यहाँ पे मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि दूरी को हम यहाँ पर डी मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार जब जा रहा है तो 12 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो 12 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो एक तरफ का जाने का समय हमारा निकल जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। फिर दोबारा जब वापस आता है तो दूरी तो हमारा सेम ही रहेगा, यानी डी ही रहेगा, और वापस आता है तो उस समय उसका चाल कितना रहता है, 8 किलोमीटर पर आवर रहता है। तो इसे हम अगर डिवाइड करते हैं 8 से, तो हमारा आने वक्त का जो है समय निकल जाएगा, और दोनों का समय यहाँ पर कैलकुलेट करके 20 घंटा यहाँ पर दिया हुआ है। सो बराबर में कितना हो जाएगा, 20 घंटा हो जाएगा। तो चलिए अब फटाफट हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा, 24, 12 से जाएगा ये दो बार में, तो हो जाएगा आपका 2D, प्लस फिर देखिए 8 से जाएगा तीन बार में, तो हो जाएगा आपका 3D, और बराबर में कितना है, 20 है। इसे अगर आप प्लस करते हैं तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5D, बटे में आपका बचा हुआ है 24, और बराबर में आपका है 20। 5 से जाएगा ये चार बार में, और 24 को जब 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर बेसिक आपके पास है तो जैसे चाहे क्वेश्चन को आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आप सभी को और बताने वाला हूँ, और ये क्वेश्चन आप सभी को थोड़ा सा माइंड खोल के समझना है, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में भी आएगा और कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आएगा। तो चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है, कहता है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए एक व्यापारी दो अलग अलग गुणवत्ता गेहूं ए और बी को मिश्रित करता है, जिनका क्रय मूल्य 50 रुपये प्रति किलो और 30 रुपये प्रति किलो है। यदि 1 किलो गेहूं में ए और बी का अनुपात 2:3 है, तो बने हुए मिश्रण का प्रति किलो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यह है कि यहाँ पर दो प्रकार का गेहूँ है, एक तो ए है और एक बी है। एक 50 रुपये केजी है और एक 30 रुपये केजी है। एक बंदा क्या करता है कि इन दोनों गेहूं को आपस में मिक्स कर देता है, यानी कि जाहिर सी बात है अगर 50 रुपये केजी अगर कोई गेहूं है तो ये अच्छा होगा, और जो ये 30 रुपये केजी है बी वाला गेहूं, तो ये थोड़ा सा इससे डल वैल्यू का होगा, यानी कि थोड़ा सा ख़राब होगा। तो दोनों को क्या करता है कि दोनों को मिक्स कर देता है, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने में बेचें कि यहाँ पर 25% का लाभ हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें मालूम ये होना चाहिए कि 1 केजी का यहाँ पर वैल्यू होगा कितना, उसके बाद तो हम 25% और ज़्यादा यहाँ पर करेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले तो क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, कह रहा था कि ए और बी का जो है अनुपात, यहाँ पर गेहूँ का जो गुणवत्ता का अनुपात है 2:3 के अनुपात में यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ ए प्रकार का गेहूँ है 50 रुपये केजी, तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि 50 रुपये में से कितने रुपये का गेहूँ जो है निकाला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस दो को रखेंगे ऊपर और इन दोनों को प्लस करके रखेंगे नीचे, तो 5, तो 5 से जाएगा ये कितने बार में, 10, और 10 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यानी कि देखिए 50 रुपये का गेहूं था, 50 रुपये में से 20 रुपये का गेहूं निकाल दिया गया, कितने के लिए, 1 केजी के लिए। इस ऐसे आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए बी प्रकार का गेहूं है, तो बी प्रकार के गेहूं में हम देखते हैं कि बी प्रकार का वैल्यू है कितना, तो इस 3 को रखेंगे ऊपर और इन दोनों को प्लस करके रखेंगे नीचे, यानी कि 5, 5 से जाएगा ये कितने बार में, 6 बार में, और जब 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि गेहूँ था 30 रुपये का, और 1 केजी के लिए हमने कितना गेहूँ निकाला, 18 रुपये के गेहूँ यहाँ पर हमने निकाल दिया। अब अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा 1 केजी का गेहूं का यहां पर मूल्य निकल जाएगा, तो 20 और 18 कितना होता है, 38। यानी कि अब गेहूं का कीमत कितना हो गया, 38 रुपये हो गया, ठीक है।
अब ये बंदा क्या करता है कि 25% इस पर लाभ भी कमाना चाहता है। जब 25% लाभ कमाना चाहेगा तो जाहिर सी बात है कि ये पैसा थोड़ा सा बढ़ा के रखेगा। तो देखिए 25% का जब लाभ कमाना चाहेगा तो 38 का 25% कितना होगा, तो इस तरह से आपको नहीं निकालना है। ये वैल्यू कितने के बराबर है, पूरा 100 रुपये के बराबर है। तो हमें क्या करना है, 25% जो है लाभ कमाना है, तो इसे हम क्या करेंगे 125% से यहाँ पर गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना 125% करेंगे तो परसेंट का वैल्यू हम डायरेक्ट हम नीचे रखते हैं 100, तो 25 से जाएगा ये 5 बार में और 25 से जाएगा ये कितने बार में, 4 बार में जाएगा। फिर देखिए ये आपका हो जाएगा 19 और ये आपका हो जाएगा 2। 19 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 95, और 95 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 47.5 आपका राइट आंसर होगा। यानी कि 47.50 रुपये में अगर ये गेहूँ को बेचता है तो 25% का इसको जो है प्रॉफिट भी इसमें हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर बेसिक मालूम हो तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और आशा करता हूं दोस्तों आज जितना भी क्वेश्चन हमने आपको यहां पे समझाया है यहां पर कुछ आपको समझने के लिए मिला होगा। अब इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक तो ज़रूर कीजिए, मिनिमम 500 लाइक्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि आज हमने जो भी क्वेश्चन बताया है ये एक लेवल वाला क्वेश्चन है और आगे इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा भी। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक पे ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।